गुड मॉर्निंग डियर सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डियर सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास संशोधन की अवधारणा के अंतर्गत करेंगे आर्थिक नियंत्रण के विकास के अंतर्गत और विद्यालय मस्तिष्क की भूमिका को बनाने में उसका छोटा अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रकरण आत्मनियंत्रण के विकास में शिक्षक और विद्यालय द्वारा जो छात्रों के लिए जो विद्यालय का वातावरण ऐसा करना चाहिए जिससे छात्रों को शैक्षिक वातावरण का माहौल मिले और छात्रों के द्वारा शिक्षा के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य उनकी पूर्ति करने वाला वातावरण बने तो छात्रों के लिए स्वयं की आत्मनियंत्रण की भावना है जिससे वो एक बेहतर आत्मनियंत्रण की भावना के विकास में शिक्षक और विद्यालय का एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि वहाँ बालकों के अंतर्गत सामाजिकरण की भावना को विकसित करें। उसके लिए बालकों को समाज से संबंधित समाज शास्त्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए ताकि बालक समाज के साथ में सत्संबंध स्थापित करते हुए समाज के लिए उपयोगी बन सके जिसके लिए और समाज के अनुरूप ही कार्य करें। आत्मनियंत्रण की भावना के विकास के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार छात्रों को सामाजिक मूल्यों से शिक्षा दी जाती है जिससे बालक के सामाजिक उद्देश्य मूल्यों की अनुपालना करते हुए उन्हें
नेक्स्ट है समूह में कार्य आत्मनिर्भर तनाव की भावना को विकसित करने के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा छात्रों को इस प्रकार से समझाया जाता है कि छात्रों को आपसी समूह के साथ में किस प्रकार से कार्य करना है और किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करते हुए समूह बनाकर कार्य को करना है। तो समूह की भावना का छात्रों के अंदर विकास होता है तो छात्रों के अंदर विवाह प्रत्येक छात्र अपने भावनाओं और विचारों को नियंत्रण में वह लगा सकता है। इस प्रकार से बातों के अंदर समूह में कार्य करने से आत्मनियंत्रण की भावना भी विकसित की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है शिक्षक का सकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट है शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार शिक्षक का जो व्यवहार है वो छात्रों के प्रति हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का व्यवहार सकारात्मक होगा तो छात्रों के अंदर आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित करके वो छात्रों को अपने प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर है वो देगा, जिससे शिक्षक के सामने छात्रों को विभिन्न प्रकार से झंडे नहीं होना पड़ेगा और उचित संप्रेषण। उचित संप्रेषण के द्वारा यदि ही आत्मनियंत्रण की भावना को विकसित किया जा सकता है। यदि छात्र और शिक्षक के मध्य उचित संप्रेषण नहीं होगा तो वे दोनों ही दूसरे के भावों को नहीं समझ पाएंगे और नहीं समझने के वजह से बातों के अंदर आत्मनियंत्रण की भावना का विकास है वो नहीं हो पाएगा। ऐसे स्थिति में उचित संप्रेषण के द्वारा ही बातों में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास है वो किया जा सकता है। तो शिक्षक को चाहिए कि छात्रों के साथ में उचित संप्रेषण है उनकी भावना को बनाए रखे और उचित संप्रेषण रखे। नेक्स्ट है विद्यालय में निर्देश परामर्श की व्यवस्था। उचित निर्देश और